सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू ब्लॉग। अभी सफाई वफाई कुछ नहीं हुई है, दोपहर का 1:30 बज गया है, क्योंकि वानिया बैठी हुई थी अपनी बुक्स लेकर, किताबों में पढ़ने में लगी हुई थी। नेक्स्ट पेपर उसका फिजिक्स का है, तो अभी सफाई वगैरह कुछ नहीं हुई, ना खाने का अभी कुछ देखा है। अब्दुल्ला जा रहा है सितारा पढ़ने, और हानिया भी अभी, और मैं जा रही हूँ किचन में काम करने के लिए, बर्तन बर्तन धोऊँ और खाने का देखूँ कि आज खा रही हूँ क्या बनना है। दोपहर में कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ, बर्तन वगैरह से वैसे ही कर रही हूँ जी। तो फाइनली रोटी मैंने बना ली, थोड़ा स्टू का सालन था तो मैंने पापा को दे दिया थोड़ा सा, और जो बचा है वो अजीब खा लेगा, क्योंकि स्टू का सालन थोड़ा सा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो दो अफराद ये खा लेंगे, बाकी के लोग दही बड़े खाएंगे। बाकी लोगों के लिए मैं बना रही हूँ दही बड़े। लोग क्या हैं, बच्चे हैं, वानिया हैं, मैं हूँ हानिया और अब्दुल्ला, तो हम चारों जना दही बड़े से खाएंगे रोटी। और रोटी बना ली और दही बड़ों की तैयारी अब मैं कर रही हूँ, लहसुन वगैरह छील लेती हूँ। बस फ्रिज में इतना ही काम था कि मुझे लहसुन निकालना था। हाँ, छुरी ले लूँ, लहसुन छीनूँ और फिर करूँ दही बड़ी की तैयारी, क्योंकि अब बच्चों को लग रही होगी भूख। करते करते भी मुझे 2:15 हो गए, पहले बर्तन धोए, फिर आटा गूंदा हुआ था, रोटी बनाई और किचन जिन सब साफ सुथरा करके अब मैं फारिग हुई हूँ। फारिग नहीं हुई है, बल्कि अभी भी काम है मुझे दही बड़े बनाने में से। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दही बड़े भी मैंने बिल्कुल रेडी कर लिए हैं, भगार रही है और भगार कर लेते हैं फिर खाना खा लेते हैं। खाना है, स्टू है और रोटी बनी हुई, अपने लिए निकालो खा लो। सालन अभी मैंने गरम किया था, चेक कर लो वरना गरम कर लो। फ्रेंड्स, तो रेडी टू ईट दही बड़े। असल में अरीब है ना, दही बड़े नहीं खाता है, शौक से, मजबूरी में तो खा लेता है लेकिन शौक से नहीं खाता। अब क्योंकि सालन मौजूद है तो मैंने बोला कि भाई तुम ये स्टू का सालन है थोड़ा यही खा लो, रोटी तो मैंने बना ली थी, बाकी खाना खा लेते हैं। ये खाने का टाइम हो गया है, 3 बज गए, खाना रेडी है, दिखाती हूँ लुक लास्ट वाला। ये रहा लास्ट लुक दही बड़ों का, भगार बने दही बड़े, वाव यम्मी, देखकर पानी आ रहा है, बस अब जल्दी से हम लोग खाना खा लेते हैं। अच्छा जी, तो अब्दुल्ला सिपारा पढ़ के आ गया, तो उसको मैं जल्दी खाना दे देती हूँ, उसको लग रही है भूख। तो टुडे आई गॉट माय पार्सल, और देखते हैं कि पार्सल में क्या है। मैंने असल में ड्रेस ऑर्डर किया था, और देखते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। मनीष को खोलो एक मिनट, तमीज से थोड़ा, कलर तो बड़ा प्यारा है, इसको खोलो। फैब्रिक कौन सा? हाँ, फैब्रिक भी अच्छा है। ये है इसका प्लाजो एंड देन ये शर्ट, वाओ अच्छा लग रहा है, सिंपल सा है बिल्कुल। अच्छा, ये जो कलर इसमें नज़र आ रहा है ना, ये कलर डिफरेंट है, इसमें जो कैमरे में नज़र आ रहा है ना, ये आतिशी कलर नज़र आ रहा है, लेकिन ये पर्पल कलर है।
लेकिन कलर बड़ा प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कलर। जी फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग सब? इवनिंग में कैसे हैं? अभी मैंने रात का खाना बना लिया है और रात के खाने में मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। कबूली, जो चने की दाल की बनती है ना कबूली, मैंने वो बनाई आज, क्योंकि आज बिल्कुल भी खाने का समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, तो इसलिए जो है ना मैंने कबूली बना ली, क्योंकि सर्दियों गर्मियों में ना ज़्यादा हैवी खाना खाया नहीं जाता, हल्के हल्के खाने जो होते हैं, चावल से बने हुए जैसे खिचड़ी है, ताहिरी है, या फिर कबूली है, इस तरीके की चीज़ें, या दाल चावल हो गए, इस तरीके की चीज़ें गर्मियों में खाई जाती हैं, तो इसलिए फिर मैंने अभी कबूली बना दी, क्योंकि दाल चावल तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले बनाए थे, तो इसलिए मैंने दाल चावल नहीं बनाए, कबूली बनाई। अभी आज का ब्लॉग हम यहीं पर करते हैं एंड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ऑन करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।